बोलने खातर, पर शायद थाम कौन रख पाओगे क्योंकि शर्म की इतनी बात है। वो खुद इतने दूध की धूली है तो हमारे सामने क्यों नहीं आती, सामने आए फेस टू फेस मिले। हमने प्रिंसिपल वो अच्छा होता है जो बच्चों को स्टडी के लिए प्रेरित करता हो, अपडेट करता हो, लेकिन इनके साथ में तो बड़ी मतलब जाती हो रही है सारी की सारी। मेरी खुद मतलब मैं मेरी आंखों में आंसू आ गए जब सारी की सारी बच्चियां वहां पे सारी की रोने लगी थी। तो कुछ कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद करता हूं आपका, ये जो सारी बच्चियां बोल रही है ना, ये सारी की सारी सच्ची बातें हैं, क्योंकि यहां की प्रिंसिपल का बड़ा ही अच्छे ढंग से जानता हूं मैं, उनका मत्था खराब है। यहां पे पहले जो महिला थी जिसका नाम बंटी था उसको उसने निकाल दिया। हमने इससे मिन्नत तय करी कि ऐसी किसी गरीब इंसान के साथ में ऐसा नहीं किया। पहले से ऐसी छवि है, बट आज ये एक लड़की झूठ बोल सकती है, दो लड़की झूठ बोल सकती है। मेरी आत्मा खुद रो चुकी है, जब मैं ऊपर गया तो सारी की सारी लड़कियों की आंखों में आंसू थे, सारी की सारी लड़कियां। तीन लड़कियों को जो आपके दो से तीन लड़कियों को तो एडमिट किया गया, एक लड़की तो मेरे सामने भेजा गया है। तो ये जो प्रिंसिपल है ना, ये जो विनोद भ्याणा यहाँ का, इसका डर दिखा के यहाँ के जो और अधिकारी काम कर रहे हैं उनको डराने का काम करती है, यहाँ का जो पीएन है उसको डराने का भी काम करती है, यहाँ के बच्चे उनको डराने का काम करती है। क्या हिम्मत है इस मैडम की कि इनके करेक्टर पे जाएगी, क्या हिम्मत है इस मैडम की जब इनकी पर्सनल लाइफ में जाएगी, क्या हिम्मत है इस प्रिंसिपल की कि जब रोड पे जाते हैं, घर पे जाते हैं, जब ये इंस्टाग्राम पे अगर रील बना ली तो आजकल हर इंसान बनाता है, कौन बनाता है, बड़े बड़े प्रिंसिपल बनाते हैं, आईपीएस बनाते हैं, आईएएस बनाते हैं, सब तो बनाते हैं, तो इनने बना ली तो क्या दिक्कत आ गई। बात ये है सर, इनका जो मुद्दा है काफी दिन से चल रहा है और विनोद भैणा का जी का भी नाम उसमें आ रहा है। अभी तक है जो बीजेपी के जो विधायक हैं, सरकार जो सत्ता में है, उनका एक भी बयान नहीं आया अभी तक, उन्होंने कंटेम्प्ट नहीं किया इस चीज को लेके। वो क्यों करेंगे आप समझ रहे हैं? वो क्या क्यों करेंगे? मैं ये भी नहीं कहूंगा इन्वॉल्व है, लेकिन अगर ये इंसान ये बोल रही है कि वो मेरा जीजा लगता है, जैसे कि छात्राओं ने मुझे बताया मेरा जीजा लगता है, तो कहीं ना कहीं फिर उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। ये बोलती है, ये बोलती है कि मेरे डीएसपी तो मेरी जेब में है। भाई इतनी कितनी बड़ी जेब होगी आपकी, डीएसपी तेरी जेब में है। ये लोकतंत्र है, बच्चों को भी अधिकार है, बच्चों का भी अधिकार क्षेत्र है। कोई ये नहीं कि भाई जेल में आ गए, यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, इनको भी थोड़ा सा मतलब फैमिलियर माहौल चाहिए, ये नहीं कि इनको प्रताड़ित किया जाए। अब बात है ये, अगर बच्चों ने ये बात कही है कि प्रिंसिपल को बदला जाए, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ऐसी मानसिकता है तो इसको ऊपर वाले अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए। मैं डायरेक्टर से मिला, मैंने डायरेक्टर से बातचीत करी तो डायरेक्टर ने कहा कि इसका कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है प्रदीप जी, इतनी बड़ी बातें। डायरेक्टर ने मेरे सामने बोला कि बिल्कुल, मेरे एक साथी और मेरे साथ था सन्नी नाम का, उसने बोला कि भाई ऐसे इसका इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे परेशानी है, इतना परेशानी, जब सारी बच्चियाँ परेशान है तो इसलिए परेशान है, समझ रहे हो? तो हम लोग इन बच्चियों के साथ आए और ये वादा करके जा रहे हैं। अगर ये लड़ाई, क्या किसी की पर्सनल लाइफ में जाना चाहिए किसी प्रिंसिपल को? किसी को अधिकार नहीं है, संविधान किसी को ये अधिकार नहीं देता। इन बच्चियों के पर्सनल लाइफ, इनके घर की लाइफ, बाहर की लाइफ बड़ी अलग है। यहाँ की प्रिंसिपल का दायरा यही है कि इनकी पढ़ाई अच्छी हो। दूसरी बात, अगर इनको समझाना है तो उसके लिए शब्दकोश होता है सर, उसके लिए ये नहीं होता कि जो बच्चियाँ बोल भी नहीं पा रही। जो मुझे बताए गए हैं कि वीडियो में डाला गया है, कोई हमारा दूसरा पत्रकार है आप लोगों का भाई, उसमें इन लोग बच्चियों ने बताया है कि ऐसे ऐसे शब्द हमारे लिए बोले गए हैं, तो ऐसी मानसिकता बिल्कुल नहीं चलेगी। हम भीम आर्मी के लोग और मैं प्रदीप भानखड़ इन बहनों के साथ खड़ा हूँ। मुझे वीडियो से पता चला, मेरे पास में कॉल आई, मेरी एक बहन से बात भी हुई, छोटी बहन से मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने बताया कि ऐसे से बात दिक्कत है। मैंने कहा कि ठीक है बहन, मैं कल आऊँगा, और मैं यहाँ की प्रिंसिपल से पहले भी वाकिफ हूँ, मैं पहले भी मिल चुका हूँ। जो इंसान गरीबों की नौकरी खाने में लगा हुआ हो, जिसके इंसान दिमाग में जातीय कीड़ा हो, जिसके दिमाग में जो बच्चे को करेक्टर को बार बार क्यों उछाला जा रहा है, बच्चों को स्टडी के लिए प्रेरित करो। प्रिंसिपल वो अच्छा होता है जो बच्चों को स्टडी के लिए प्रेरित करता हो, अपडेट करता हो, लेकिन इनके साथ में तो बड़ी मतलब जाती हो रही है सारी की सारी। मेरी खुद मतलब मैं मेरी आंखों में आंसू आ गए जब सारी की सारी बच्चियां वहां पे सारी की रोने लगी थी। तो ऐसा जो है ये मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ के डीसी साहब से भी और मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब से भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक बड़ा जन प्रदर्शन इन बच्चियों के लिए हम बिल्कुल करेंगे। इस गेट को ताला मारना पड़ा तो गेट को ताला भी मारेंगे और बंद भी करेंगे। हमारी ये मांग है या तो इसको सस्पेंड किया जाए या इसका ट्रांसफर किया जाए। अल्टीमेटम क्या रहेगा? अल्टीमेटम सर, मैं इन बहनों से बातचीत करके उसके बाद में फिर मीडिया के समक्ष आऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कितना समय हम देंगे इनको, इतना क्योंकि मैंने डायरेक्टर से बात करी है। जो प्रेशर बनाया जा रहा है, इनको धमकी दी जा रही है कि लाल पेन से कैरेक्टर लेस कर दिया जाएगा। अब सुनो मेरी बात, जब इनको ये कह रहे हैं, देखो ये कैरेक्टर पे लाल पेन, भाई क्यों, वो जो पेन दिया है आपको संविधान ने तो अच्छे के लिए दिया है, वो पेन है ना, इन बच्चों को चलाना सिखाओ, इनको बताओ, ये नहीं कि आपको टारगेट करके ये बातें बोली जाए। अगर बच्चों को पोक किया जाएगा ना, बार बार पोक किया जाएगा, तो समस्याएं ज्यादा बढ़ेगी। आप समझते हो इस बेटी का, इस गुड़िया का, इस बहन का, आप समझ रहे हो कि हालात कैसे हैं? आप देख सकते हो, देखो कितनी समस्या हो रखी है उसको, बड़ी भारी समस्या है सर, ये बड़ा एक भारी समस्या हो रखी है। और ऐसे ही ये परेशानी है ना लड़कियों को बार बार होती आ रही है, इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के डीसी साहब संज्ञान लें स्कूलों में, और ऊपर को अधिकारी को अपडेट करें कि इनको
यहाँ से बर्खास्त किया जाए या फिर यहाँ पे इनका ट्रांसफर किया जाए, नहीं तो फिर हम बड़ा जन आंदोलन करेंगे। धन्यवाद।